बैलेंस कर लेना। वाह peacocks here also. These are females, I think, right? Try to hear the sound. How many birds are chirping at the same time? I think these are the oh. Should I try feeding the peacock like Modi ji? Look, there's the big male, I think, in the back. Oh yeah. This is scared of you. Oh my god, how many there are. I hope they don't drop anything down. No, they are. I can hear some the droppings coming. You hear it? Look at this. Where are all these white spots coming from? I don't know. I'm not kidding. Look at this. This is a fresh one. Oh my god. Ew, let's go. This is where we came from. Let's we get have to away go from inside. No! How can I go through this? It's like a video game. We try to run. Oh my god! Now that the sunset has happened, the whole sky has turned pink in color. Today the sunset is especially perfect. Should I also come? Statue of Jesus Unity ab jal uthe hain. He has lit up. And the Christmas tree also. Coincidence? Oh. Oh. ये इंडिया गेट लग रहा है इस साइड से। मैं सोच रहा था दोस्तों, आप हमेशा व्लॉग्स में बड़ी परफेक्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखते हो, सब कुछ बढ़िया दिख रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, लेकिन ज्यादा मैं आगे पीछे का नहीं दिखाता कि बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है। आज अभी वो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। होटल रूम में सामान बिखरा हुआ है, ये हमेशा ही ऐसे रहता है क्योंकि पूरे दिन हम बाहर रहते हैं। और यूली अपना ऑनलाइन टेस्ट दे रही है पढ़ाई का। अभी मैं व्लॉग की फुटेज ऑर्गेनाइज करूंगा, सॉर्ट करूंगा, मेन चैनल के वीडियोज भी देखने होते हैं, एडिट करने होते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा नहा धो लेता हूँ, फ्रेशन अप हो जाता हूँ, उसके बाद थोड़े आपके कमेंट्स भी पढ़ूंगा। I'll shower now, okay? With the camera? No, I'll turn off the camera. I don't wanna see that. तो सुबह के 8 बजे हैं, हमने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया, 20 मिनट वॉक करके जाना है और वहां से आधे घंटे की ड्राइव है सर्फिंग की जगह पर। हमने एक सर्फिंग का लेसन लिया है तो ग्रुप के साथ सर्फिंग करेंगे। सुबह के 8 बजे ये पूरा स्क्वायर खाली पड़ा है, सन अभी निकला नहीं है क्योंकि वहां पर बादल हैं, हालांकि यहां पर इतने नहीं हैं। Damn, are those clouds? Yeah. It's like we're in the sky. It looks like we're in an airplane. ये सर्फिंग के स्पॉट पर हम पहुंच गए हैं, लेकिन बड़ा फॉगी है आज यहाँ पर। यहाँ क्वालिटी वॉल्स का लोगो लगा है, लगता है पोर्चुगल में से ओला बुलाते हैं। Now the sun is out and the fog is gone mostly. Yeah, as soon as it comes out, it feels warming. There's some beds here. Look at that. Not someone, there's so many people surfing already. Wow. Hope I can handle them. बाहर का तापमान करीब 15 डिग्री है, तो ये जो मोटा सा वेट सूट देख रहे हो ये पहनना पड़ता है सर्फिंग करते वक्त, क्योंकि पानी और भी ठंडा होगा। अभी से ठंड लग रही है इसमें, तो ये सिर्फ
कूल दिखने के लिए नहीं पहनते हैं, ये एक्चुअली इसका पर्पस होता है। पहले उल्टा पहन लिया था, अब वापस साइड चेंज करनी पड़ी। तो ये सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं पहनते हैं। सर्फिंग काम कैसे करती है? ये है सर्फबोर्ड दोस्तों, बिगिनर्स का सर्फबोर्ड है। तो पहले जब वेव आएगी ऐसे लेट हो गए स्विमिंग करती है, और जैसे ही जब खड़े होना हो सर्फबोर्ड पे तब ऐसे करके लाइक दिस और ऐसे बैलेंस कर लेना है। क्या है ना दोस्तों, सर्फिंग सीखते वक्त तो हम फिल्मिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं आपको सर्फिंग की पिछले साल की फुटेज दिखाना चाहूंगा जब हमने पहली बार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सर्फिंग सीखी थी और पहली बार खुद से सर्फिंग अटेम्प्ट करी थी। पांच दिन मैंने सर्फिंग लेसन्स लिए हैं, आज पहला दिन है कि मैं खुद से सर्फिंग अटेम्प्ट करूंगा। सुनने में बहुत आसान लगता है, बस तीन ही स्टेप्स हैं। पहले वेव को कैच करो उसके साथ स्विमिंग करके, फिर बोर्ड पर खड़े हो और बैलेंस करो। कितना मुश्किल हो सकता है। आप देख ही सकते हो ये तीन सिंपल स्टेप्स कितनी मुश्किल हो सकती हैं। पहली बार खुद से ट्राई करने पर कितनी बार मैं नीचे गिरा, गिरते रहा जब तक पहली बार खड़ा नहीं हो गया। Was it? We are progressing very well, I think. Yeah? Day by day, we are getting better and better at surfing. Soon, I'll be so good that I'll be the best surfer in India. Because there aren't many. Ab fog chali gayi hai, temperature perfect ho rakha hai, kareeb 18-20 degree. Aur dekhiye kya hills dikhai de rahi hai yahan pe. This reminds me so much of Australia. आज हमने करीब 12 बजे तक सर्फिंग करी थी, 2 घंटे भी सर्फिंग कर ली। बहुत ही इंटेंस एक्टिविटी होती है, इतने थक जाते हैं कि क्या बताऊं मैं। आप ज़्यादा टाइम नहीं बचा बाकी शहर घूमने के लिए, लेकिन अभी का प्लान है कि जितना भी टाइम बचा है, 1 घंटा है सनसेट में, हम एक शहर के बीच में एक एलिवेटर है, लिफ्ट लगी हुई है बीच में, जो कि ऊपर पहुँचाकर पूरे शहर का व्यू दिखाती है। फिर से जूली ने अपने इंस्टाग्राम पे लिस्बन की स्टोरी डाली थी, आप में से किसी ने पहचान लिया कि वो लिस्बन ही था। कोई लिस्बन में ही रहती है, निधि इनका नाम है। तो उन्होंने मैसेज किया यूली को कि हम मिल सकते हैं कि नहीं उनसे, तो वेट कर रहे हैं अभी। मेरे साथ है निधि दोस्तों। निधि आप यहीं पढ़ते हो? Yes. कैसा लगता है शहर? मुझे तो बड़ा सही लग रहा है। हाँ। भी पढ़ के, मतलब एक साल हो गया है। हाँ, यहाँ पर लोग कैसे हैं? मैं पोर्टुगीज पीपल की बात करूँ तो सारे, मतलब बहुत काम है बात करने में, और ऐसा कुछ रेसिज्म वगैरह फील नहीं होता। नहीं होता, एटलीस्ट द पीपल हु आर मेट दे आर रियली गुड। शहर कैसे सेफ है? और इन जनरल मैं कभी कभी रात को, मेरा क्लास रात को 10:30 खत्म होता है, और मैं सेफली बाय मेट्रो घर पे जा सकती हूँ। अच्छा। इवन इफ द जर्नी टेक्स हाफ एन आवर। अच्छा, रियली सेफ। और कितने इंडियंस को जानते हो आप इस शहर में? सही बताओ तो बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा लोग नहीं आते। आई एम द ओनली पर्सन इन माय यूनिवर्सिटी हु इज इंडियन। अच्छा। Look. That's the elevator. That's what I was talking about. It does. But unfortunately, the sunset has probably already happened. But we should still go up there, I think. It looks straight out of a movie, right? It's called Elevador de Santa Justa. Inaugurado en Desie de Julho de... Nonsense dos dos dos. Very good sí. Language skill. Yo hablo portugués. Where is the entrance to this?
Look how it's going into the house here. Yeah. Now that this is closed, I want to go up there. But the way to get up there is around it. तो ये एक्चुअली में म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी है. एलिवेटर के ऊपर आते तो यहाँ आ सकते थे. हम उसके अराउंड घूम के आ गए. ओह, वी आर ऑलमोस्ट एट द एलिवेटर नाउ. देयर इज द सेम प्लेटफॉर्म. या इवन दो द एलिवेटर वाज क्लोज्ड, वी गॉट टू गो ऑन द टॉप ऑफ इट. This city has so many epic views. ऊपर जाने की टिकट का कॉस्ट है 1.50 €. बस एक लेवल इससे ऊपर जा सकते हैं. Oh, this guy. That's the one. The other ticket, okay? Yes. When you come down, the other side. Yes, the same. Ooh. Definitely a better view. क्योंकि यहाँ पर छत नहीं है जैसे नीचे. Yesterday we were over there. Oh my god. This really gives me a fear of heights, you know. I really feel like watching Money Heist later today. But we are you looking forward to it? Even yesterday night we did that. Yeah, and I promised everyone yesterday that we would read their comments. But we did not. No. Yeah, but we were so tired yesterday. We only watched like 10 minutes of it. Yeah. Okay, follow me. Following. अगर आप लोग भी दोस्तों प्लान कर रहे हैं कोई फॉरेन वेकेशन या कोई भी ट्रिप, तो आप कुवेरा पे जाके अपने ट्रैवल गोल बना सकते हैं. बजट ऐड करिए और अभी से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि ट्रैवल टाइम आने तक आपके पास अपना बजट हो. कुवेरा एक बढ़िया फ्री एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, तो इसका बेनिफिट आप अभी से ही ले सकते हैं गोल प्लानिंग में. और इस पे आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा.